महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में साईं बाबा के जन्म स्थान से जुड़े एक फैसले की घोषणा के बाद इलाके में विवाद शुरू हो गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शिरडी में स्थानीय लोगों ने रविवार को बंद का आह्वान कर दिया। हालांकि विवाद के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला रहेगा। न्यासियों ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विवाद को सुलझाने की इच्छा जताई है। लखनऊ के घंटाघर में आज भी नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। घंटाघर पर चल रहे प्रदर्शन में पुलिसिया कार्यवाही के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया है। रविवार सुबह पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के पास से खाने पीने के सामान सहित कंबल भी जब्त कर लिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ पुलिस की जुबानी जंग भी चल रही है। प्रदर्शनकारी पुरुषों को पुलिस भगा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान से लोग बेहाल हैं। इसका असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह 5:50 पर सफदरगंज पर 8.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली NCR में बीते दिनों बारिश के बाद से चली शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली में आज सुबह भी कोहरा छाया रहा और तेज हवाएं चलती रही। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर शनिवार को शबाना आजमी का एक्सीडेंट हो गया था। इस मामले में ट्रक ड्राइवर ने शबाना के ड्राइवर पर ही केस किया है। ट्रक ड्राइवर ने शबाना आजमी के ड्राइवर अमलेश कामत के खिलाफ खालापुर में केस दर्ज कराया है। ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि शबाना का ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था, उसने ट्रक को ठोकर मारी थी। उसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज दोपहर 1:30 से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बीते 2 मैचों में जिस तरह की क्रिकेट देखने को मिली है, उसने इन दोनों टीमों के स्तर को ऊंचा ही उठाया और यह भी साबित किया है दोनों टीमों में ज्यादा अंतर नहीं है और किसी भी दिन कोई भी टीम विजय पताका फहरा सकती है।